आज करण को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये वही आदमी था जिसने अपना बच्चा खो दिया था। प्रज्ञा के मन में एक बात आई, अगर करण कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था तो उसे सीसीटीवी कैमरास बंद करने में समय नहीं लगा होगा और बाकी सारे एम्प्लॉयज उसकी बातों में आकर वहां से कुछ देर के लिए चले गए होंगे, जिस बीच उसने वो डिजाइन चोरी कर ली होगी। ये सब उसी का किया धरा था, वरना वो अपने बच्चे को खोने के बाद और अपने पिता के गुस्से की आग में झुलसने के बाद वो एक नई कार में किसी अनजान लड़की के साथ क्यों घूमेगा। उसे तो अपने घर में बैठकर दुख मनाना चाहिए था, लेकिन उसे मालूम था कि सिद्धांत की बात सच थी, वो लोग बिना किसी एविडेंस के उसे पकड़ भी नहीं सकते थे। प्रज्ञा का मन था कि वो करण को वहां से एक चांटा मारकर भगा दे, लेकिन उसने उस अर्ज को कंट्रोल किया। वो इस वक्त पब्लिक में थी और कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। उसने करण की पहली बात का जवाब देते हुए कहा, दुनिया की सारी लड़कियां माहेश्वरी खानदान के लड़कों के लिए पागल नहीं है, कुछ है जो खुद की भी परवाह करती है, और वैसे भी मैं सिद्धांत से कई दिनों से नहीं मिली हूँ। उसने सब्जी के ठेले को पॉइंट करते हुए कहा, क्या सिद्धांत तुम्हारे साथ अब टाइम स्पेंड नहीं करता? करण ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या इस बात से तुम्हारे मन को तसल्ली मिल गई? प्रज्ञा ने उसे गुस्से और अनॉयंस के साथ पूछा। फिर प्रज्ञा ने अपना सामान उठाया और करण को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई, लेकिन करण उसके पीछे दौड़ा और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोकने लगा। मैंने कहा था ना कि सिद्धांत तुम्हें एक खिलौने की तरह रखेगा और उसका मन भरते ही वो तुम्हारे बारे में भूल जाएगा। मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ प्रज्ञा। अगर तुम मेरे पास वापस आ जाओगी तो हम बहुत खुश रहेंगे, आई प्रॉमिस। वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत बार खुश किया भी है, करण ने उससे वादा करते हुए कहा। वापस तुम्हारे पास? करण, क्या तुम अपना दिमाग खो चुके हो? तुम्हारी एक पत्नी है और ये औरतें? प्रज्ञा ने डिस्गस्ट के साथ कहा और कार में बैठी हुई उस लड़की की तरफ इशारा किया। मेरा विश्वास करो, मैं कीर्ति को जल्दी ही डाइवोर्स देने वाला हूँ। और वो, उसने तभी अपनी कार की तरफ देखा और उसके अंदर बैठी हुई लड़की को अपने पास बुलाते हुए कहा, तुम यहाँ आओ। लेकिन शायद वो लड़की भी समझ गई थी कि क्या होने वाला था, इसलिए वो अपनी सीट से हटी नहीं। तब करण अपनी कार के पास पहुंचा, उसने कार का दरवाजा खोला और उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए उसे कार से खींच के बाहर निकाल दिया। करण, उस लड़की की सरप्राइज से भरी आवाज आई, तुम अभी इसी वक्त यहां से चली जाओ और मेरी तरफ मुड़कर भी मत देखना, करण ने उसके चेहरे पर चिल्लाते हुए कहा। वो लड़की रोते हुए वहां से भाग गई। प्रज्ञा को उसके लिए दुख हुआ, लेकिन वो और कुछ सोच पाती उससे पहले ही करण उसके पास एक बार फिर से आकर खड़ा हुआ और वो बोला, प्रज्ञा, ये लड़कियां मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। देखो मैंने कैसे उससे छुटकारा पा लिया। मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी और लड़की को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। प्रज्ञा ने उसकी तरफ स्टर्न आंखों से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन आदमियों को हमेशा वही क्यों चाहिए होता है जो कभी इनका हो नहीं सकता। करण उसे इसीलिए वापस नहीं चाहता था क्योंकि वो उससे प्यार करता था, लेकिन वो उसे इसीलिए वापस चाहता था ताकि वो सिद्धांत को दिखा सके कि वो भी प्रज्ञा को हासिल कर सकता है। लेकिन प्रज्ञा अब पहले जितनी भोली नहीं थी। उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसने ऐसे एक्ट किया जैसे करण की बातें उसे कंफ्यूजन में डाल रही थी। करण उसकी चुप्पी देख बहुत ही खुश था, क्योंकि अगर प्रज्ञा चाहती तो उसे कब का वहां से जाने को कह सकती थी, लेकिन वो शांत थी। इसका मतलब वो उसकी बातों के बारे में सोच रही थी, या वो करण को इतना हेट नहीं करती थी जितना वो सोच रहा था। प्रज्ञा, मैं जानता हूं मुझसे जो गलतियां हुई हैं वो कोई मामूली गलतियां नहीं थी, और इसीलिए मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, उसने प्रज्ञा का हाथ थामते हुए कहा। हमारे बीच बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जो कि बात करने पर ही दूर होंगी, उसने आगे कहा। उसकी आंखों में अगर प्रज्ञा ने पहली बार देखा होता तो वो ये बात मान भी लेती, लेकिन वो उन आंखों के पीछे छिपे राज को जानती थी, इसीलिए उसने प्रिटेंड किया। उसने गहरी सांस ली और बोली, देखो अभी मैं अकेली नहीं हूं, किसी भी वक्त मधु यहां आ सकती है, ये सही जगह नहीं है बात करने की, प्रज्ञा ने झूठे डर के साथ कहा। हाँ ठीक है, तुम बस बता दो कि तुम बात करने के लिए कब तैयार हो, करण ने एक्साइटेड होकर पूछा। मैं शाम को तुम्हारे अपार्टमेंट पहुंच जाऊंगी, अब तुम जाओ यहां से, नहीं तो कोई हमें देख लेगा। करण खुशी से उछलते हुए अपनी कार तक पहुंचा। रुककर उसने एक बार प्रज्ञा की तरफ प्यार भरी नजरों से देखा और उसके बाद वो कार में बैठकर वहां से चला गया। उसी वक्त एक दूसरी कार प्रज्ञा के सामने आकर रुकी। मधु उस कार से उतरी, लेकिन उसकी नजर करण की कार भी थी जो अभी अभी वहां से निकली थी। उसने सिकुड़ी हुई आईब्रोज के साथ प्रज्ञा को देखा और बोली, प्रज्ञा क्या वो कार? लेकिन प्रज्ञा ने उसको अपनी बात कहने का समय ही नहीं दिया और उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, वो कोई अजनबी रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, चलो हम ये सामान कार में रख लेते हैं। प्रज्ञा ने उसे झूठ बोला, कोई आदमी रास्ता भटक गया था और डायरेक्शन पूछ रहा था। लेकिन मधु को अपनी आंखों पर पूरा विश्वास था, वो आदमी कोई अनजान नहीं बल्कि करण था।
और उसको और प्रज्ञा को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों हंसते हुए बातें कर रहे थे। प्रज्ञा तो उससे नफरत करती थी ना, फिर प्रज्ञा ने उसे झूठ क्यों कहा था? लेकिन क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस्ड मेड थी, वो जानती थी कि इस सब के चक्कर में पड़ना उसके लिए सही नहीं था, इसीलिए उसने उस वक्त के लिए उस बात को जाने दिया और कार में सामान रखने में उसकी मदद करने लगी। शाम होने को आई थी, लेकिन प्रज्ञा नर्वसनेस के कारण किसी भी चीज में मन नहीं लगा पा रही थी। उसे करण के अपार्टमेंट में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि उसे ये काम करना ही था। सिद्धांत में अपनी पूरी कसर लगाती थी उसको निर्दोष साबित करने में। अब प्रज्ञा की बारी थी उसकी हेल्प करने की। उसने अपने कपड़े चेंज किए और वो नीचे पहुंची। मधु, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, उसने बताया। क्या तुम खाना नहीं खाओगी? मधु ने उससे पूछा, क्योंकि ऑलमोस्ट डिनर टाइम हो चुका था। नहीं, मेरा आज पायल से मिलने का प्लान है, उसने कहा। रुको, मैं ड्राइवर को बुलाती हूँ। वो जानती थी कि पायल प्रज्ञा की फ्रेंड थी और वो दोनों समय समय पर बाहर जाती रहती थी, तो इसमें कोई नई बात नहीं थी। लेकिन उसको इस बार न जाने क्यों एक अजीब सी फीलिंग सता रही थी। घर से बाहर निकलते ही उसने एक टैक्सी को बुलाया और ड्राइवर को एक एड्रेस थमाते हुए कुछ ही देर में करण के नए अपार्टमेंट के सामने पहुंच गई। उसके सामने करण का घर आते ही उसके मन में डिस्गस्ट भर गई। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इस जगह अपनी मर्जी से आएगी, लेकिन आज उसके पास एक मिशन था जिसे वो पूरा किए बिना यहाँ से नहीं लौटने वाली थी। बिल्डिंग में अंदर जाते समय उसको बहुत ही नर्वस फील हो रहा था, लेकिन अगर करण ने वो होटल की डिजाइन चुराई थी तो उसने जरूर उसे अपने पर्सनल लैपटॉप या कंप्यूटर में रखा होगा। अब बस उसे किसी भी तरह उस तक पहुंचना था। उसने एक लंबी सांस ली और खुद को याद दिलाया कि वो ये क्यों कर रही थी। फिर उसने दरवाजे पर नॉक किया। कुछ ही पलों में करण ने दरवाजा खोला और वो उसके सामने चेहरे पर खुशी लेकर खड़ा हुआ था। प्रज्ञा, तुम आ गई, उसने तुरंत कहा। प्रज्ञा की नजरें उसके घर में घूमी और उसको लगा था कि कीर्ति होगी, लेकिन वहां उसका कोई भी नामो निशान नहीं था। करण के अलावा उस घर में दो मेड्स थी जो हर दिन घर की सफाई और खाने का काम करती थी, लेकिन आज प्रज्ञा के यहाँ आने के कारण करण ने उनको छुट्टी दी हुई थी। प्रज्ञा ने अपनी हिम्मत जुटाई और करण के साथ अंदर गई। करण ने कीर्ति के जाने के बाद अपने 1 BHK के छोटे अपार्टमेंट से एक पेंट हाउस में अपनी माँ की हेल्प से शिफ्ट कर लिया था, जिससे वो अपनी रईसियत को दिखाकर लड़कियों को अपनी जाल में फंसा सके। करण का अपार्टमेंट कोई छोटा मोटा घर नहीं था। ग्राउंड फ्लोर में उसका लिविंग रूम और ड्राइंग रूम था, ऊपर बेडरूम और प्राइवेट स्टडी थी। उसका पर्सनल कंप्यूटर भी ऊपर स्टडी रूम में ही होगा। उसने डाइनिंग टेबल पर देखा तो 2 प्लेट्स में डिलीशियस खाना और 2 ग्लासेस में एक्सपेंसिव रेड वाइन ऑलरेडी तैयार रखी थी। आई होप तुमने अभी डिनर नहीं किया होगा, मैंने आज तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनवाया है, करण ने उसको टेबल पर बैठने के लिए इशारा करते हुए कहा। प्रज्ञा को तो करण के साथ एक कमरे में भी रहने में उल्टी आ रही थी, लेकिन उसको ये सब सहन करना ही होगा। प्रज्ञा, मुझे नहीं लगा था कि आज तुम यहाँ आओगी, करण ने उसका वाइन का ग्लास उसकी तरफ खिसकाते हुए कहा। मैं ड्रिंक नहीं करती, और वैसे भी तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे बहुत सी बातें करनी है, तो अब बोलो, प्रज्ञा ने उसी नजरें चुराते हुए कहा। ये मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली मंगवाई है, क्या तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया, उसने एक बार फिर से वो ग्लास उसकी तरफ करते हुए कहा। प्रज्ञा करण को जरा भी शक नहीं होने दे सकती थी, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी वो ग्लास अपने हाथ में लिया और करण के ग्लास के साथ चीयर्स किया। करण का चेहरा एक स्माइल के साथ खिल गया और वो बोला, प्रज्ञा, मैंने आज तक नहीं सोचा था कि मैं और तुम इस तरह साथ में बैठ पाएंगे। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर तुम्हारी कजन धोखे से प्रेग्नेंट नहीं होती तो मैं उससे कभी भी शादी नहीं करता। मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तो फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? प्रज्ञा अपना रोल बखूबी निभा रही थी। मैं एक आदमी हूं और आदमियों से ऐसी गलतियां होती रहती हैं। मैं तुमसे जो चाहता था वो तुम देने को तैयार नहीं थी, और तुम्हारी बहन मुझे सेड्यूस करने में कामयाब हो गई थी, तो मैं उसे रिजिस्ट कैसे करता? करण ने इस बात को ऐसे कह दिया जैसे कि इस सब में विक्टिम वो ही था। इसे सुन के प्रज्ञा का खून खौल गया। करण कैसे इतनी आसानी से इस बारे में बात कर सकता था? उसने अपनी शर्म लाज सब बेच खाई थी। लेकिन करण ने उसकी चुप्पी को दूसरी तरह से ले लिया और टेबल पर अपना हाथ प्रज्ञा के हाथ में रखा। मगर उस समय मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं अपनी आंखों के सामने रखे हीरे को नहीं पहचान पाया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं और ऐसी गलती दोबारा भूल कर भी नहीं करूंगा। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा, उसने प्रज्ञा की तरफ प्यार भरी आंखों के साथ देखकर कहा। प्रज्ञा को मन में लग रहा था कि वो किसी भी वक्त करण को चांटा मार सकती थी, और वो ऐसा हरगिज नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने दूसरे हाथ से वो वाइन का ग्लास गिरा दिया। वो वाइन उसके पूरे स्कर्ट पर गिर गई थी। हे भगवान, आई एम सॉरी, प्रज्ञा ने तुरंत एक्सप्रेशन छुपाते हुए कहा। करण ने उसे तुरंत कुछ टिश्यूज थमाए, लेकिन प्रज्ञा तुरंत बोली, मुझे बाथरूम में जाकर ही इसे साफ करना होगा।
करण का प्राइवेट बाथरूम ऊपर ही था, जिसके बहाने वो उसकी स्टडी में जा सकेगी। सीढ़ियों से लिफ्ट, मैं चलूं साथ में? करण ने उसको बाथरूम की लोकेशन बताते हुए पूछा। नहीं, मैं चली जाऊंगी, प्रज्ञा ने डर के साथ अचानक से चिल्लाते हुए कहा। करण की आईब्रोज कंफ्यूजन से सिकुड़ गई। प्रज्ञा को रियलाइज हुआ कि उसने क्या कर दिया था, इसीलिए उसने करण का हाथ थामा और बोली, मैं अभी आई। उसने एक स्माइल दी और जब करण ने उसे एक स्माइल रिटर्न में दी, तब वो मुड़कर जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चल पड़ी। वो तुरंत पहले बाथरूम की तरफ गई और उसका दरवाजा खोलकर बंद कर दिया ताकि करण को कोई शक ना हो, और उसके बाद वो जल्दी से उसकी स्टडी ढूंढने लगी। उसको जब उसका स्टडी रूम मिला तो वो धीमे से अंदर पहुंची और वहीं सामने डेस्क पर करण का लैपटॉप रखा हुआ था। उसने उसे तुरंत स्विच ऑन किया, लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। उसने जल्दी से सोचा कि करण का पासवर्ड क्या हो सकता था। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था। उसके हाथ पैर डर और एंटिसिपेशन से कांप रहे थे। अचानक से उसे याद आया, उसने पुष्पा का बर्थडे डाला और एक बार में ही करण का लैपटॉप खुल गया। प्रज्ञा का मन खुशी से उछल गया, लेकिन उसके पास अभी इस छोटी सी विक्ट्री को मनाने का कोई भी टाइम नहीं था। उसने जब सर्च किया तो उसे एक फोल्डर में एक टॉप सीक्रेट नाम की फाइल मिली। उसने तुरंत उस फाइल को खोला तो वहीं उसकी आंखों के सामने सिद्धांत की बनाई हुई उस होटल की डिजाइन थी। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। आखिरकार उसका शक सही था, करण ही था जिसने इतनी बड़ी चाल चली थी। उसने तुरंत अपने पर्स से एक यूएसबी ड्राइव निकाली और लैपटॉप से कनेक्ट करके उस चोरी की हुई फाइल को कॉपी कर लिया। लेकिन उस फाइल की साइज बड़ी थी, इसलिए कुछ टाइम लग रहा था। उसकी नजरें बार बार स्टडी रूम के दरवाजे की तरफ जा रही थी। उसका दिल उसके गले में अटका हुआ था, वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। तभी उसे बाहर से कुछ कदमों की आवाज आई। उसका गला सूख गया और उसके माथे से पसीना आने लगा। क्या होगा आगे? क्या प्रज्ञा सिद्धांत की उस फाइल को सही सलामत उसके पास ले आएगी? क्या उसकी ये कुर्बानी सच में कामयाब होगी, या वो करण के घर में अकेले रंगे हाथों पकड़ी जाएगी? और क्या होगा जब सिद्धांत को इस बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सिद्धांत के घर के सामने एक कार आकर रुकी। उसमें से सिद्धांत उतरा और अपने घर के अंदर पहुंचा। हेलो सिद्धांत, मधु ने उसे ग्रीट करते हुए कहा। क्या प्रज्ञा सो रही है? उसने अपनी टाई को लूज करते हुए पूछा, क्योंकि उसे प्रज्ञा कहीं भी नहीं दिखी। यूजली वो इतनी जल्दी नहीं सोती थी, इसलिए सिद्धांत ने कंफ्यूजन के साथ पूछा। नहीं, वो अपनी फ्रेंड पायल के साथ बाहर गई है, मधु ने उसे बताया। उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई और उसने अपना फोन निकालकर प्रज्ञा को कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। सिद्धांत ने तुरंत पायल को कॉल किया। उसके पास प्रज्ञा से जुड़े हर इंसान की जानकारी थी। हेलो, कौन बोल रहा है? पायल ने पूछा। सिद्धांत माहेश्वरी, उसे बस ये दो शब्द ही बोलने की जरूरत थी। सिद्धांत, क्या हुआ? सिद्धांत का नाम सुनते ही पायल का मोबाइल उसकी हाथ से छूटने वाला था। सिद्धांत के मन में एक बुरी फीलिंग थी। उसे मालूम चल गया था कि प्रज्ञा उसके साथ नहीं थी, फिर भी वो बोला, प्रज्ञा कहाँ है? प्रज्ञा, वो तो मेरे साथ नहीं है, पायल ने बिना कुछ सोचे कहा। वो तुम्हारे साथ आज शाम को कहीं नहीं गई? सिद्धांत ने पूछा। नहीं, सिद्धांत ने आगे कुछ भी नहीं कहा और फोन कट कर दिया। उसको इस बारे में बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं थी। अचानक से लिविंग रूम का माहौल बहुत ही टेंस्ड हो गया। मधु ने सिद्धांत की बात सुन ली थी, वो कांपने लगी। तो प्रज्ञा पायल के साथ बाहर नहीं गई थी तो कहाँ थी फिर वो? उसने मधु से झूठ क्यों कहा था, और वो इस वक्त क्या कर रही थी? बाहर जाने से पहले उसने तुमसे कुछ भी कहा था? सिद्धांत ने एक इंटेंस टोन के साथ मधु से पूछा। नहीं। क्या आज दिन भर में कुछ भी ऐसा हुआ जो बहुत अजीब था? सिद्धांत ने पूछा। मधु को याद आया, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कुछ बोले या नहीं, लेकिन बाद में उसने अपना मुंह खोला और बोली, आज मैं और प्रज्ञा ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए बाहर गए थे, और जब मैं ड्राइवर के साथ प्रज्ञा को लेने के लिए पहुंची तो मैंने उसे किसी से बात करते हुए देखा था, मधु ने डरी हुई आवाज में कहा। कौन? सिद्धांत का एक ही वर्ड डरावना था, करण। उस तरफ प्रज्ञा का दिल जोरों से धड़क रहा था। कॉपिंग बार पर 80% प्रोग्रेस दिख रही थी। उसके माथे से पसीना छूट रहा था। 81%, 82%। प्रज्ञा, तुम ठीक तो हो ना? करण की आवाज नीचे से आई। उसका दिल एकदम से थम गया। थोड़ी देर पहले भी उसे कदमों की आवाज आई थी, लेकिन वो उसका भ्रम था। लेकिन अगर उसने जल्दी नहीं किया तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। हाँ, मैं बस नीचे ही आ रही हूँ, उसने तुरंत स्टडी से निकलकर बाथरूम के पास से चिल्लाया।
क्या तुम्हें टावल मिला? मैं आऊं मदद के लिए? करण ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। उसने अपने आप को काम करने की कोशिश की। उसके बाद वो स्टडी में लैपटॉप के सामने पहुंची और एक ही बात को जपने लगी, जल्दी जल्दी। 95%, 96%। अचानक से उसे सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनाई दी। इस बार वो जानती थी कि वो असली जूतों की आवाज है। जैसे ही वो कॉपी खत्म हुई, उसने तुरंत वो USB लैपटॉप से निकाल ली और ओरिजिनल कॉपी डिलीट कर दी। लैपटॉप को स्विच ऑफ करते हुए वो वहां से भागी और बाथरूम के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, उसकी सांस चढ़ी हुई थी, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। वो जब बाथरूम के पास दौड़ते हुए पहुंची तो उसने देखा कि करण सीढ़ियों से ऊपर आ ही रहा था। अरे तुम्हें ऊपर आने की क्या जरूरत थी? प्रज्ञा ने अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, करण ने कहा। उसे देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि उसे प्रज्ञा पर कोई शक हुआ था, लेकिन प्रज्ञा के पर्स में रखी हुई USB का वेट उसको वहां से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां से जाने को कह रहा था। रात बहुत हो रही है, मुझे अब चलना चाहिए, प्रज्ञा ने कहा। वो जिस काम के लिए यहाँ आई थी वो पूरा हो चुका था, अब उसे यहाँ से निकलना था। इतना कहकर वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगी, लेकिन करण उसके पीछे दौड़ते हुए आया और बोला, प्रज्ञा रुको, तुमको जो कुछ भी कहना था तुमको कह चुके हो। वो रुकी नहीं। अचानक से करण ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी बाहों में ले लिया। प्रज्ञा ने अपने दांत पीसते हुए करण को अपने से दूर करने के लिए धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसे रियलाइज हुआ कि उसके हाथों में बिल्कुल दम नहीं था। करण ने आसानी से उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने बेडरूम की तरफ ले जाने लगा। उसको कुछ पल के लिए स्ट्रगल के बाद रियलाइज हुआ कि वो जितना स्ट्रगल कर रही थी उसकी बॉडी से उतनी ही हिम्मत कम होती जा रही थी। अचानक से उसको लगा कि वो बेहोश होने वाली थी। उसकी बॉडी में अजीब सी गर्मी भरने लगी और उसका गला सूखने लगा। अब उसे याद आ रहा था कि करण की स्टडी में भी उसे अपने अंदर एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने उसे नर्वसनेस का नाम देकर भुला दिया था। उसे अचानक से एक बात रियलाइज हुई, करण तुमने मुझे ड्रग किया है। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से चींक की जगह एक सॉफ्ट आवाज निकली, करण ने उस वाइन में जरूर कुछ मिलाया था। अरे अरे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम ऐसे दोबारा कब मिलने वाले हैं? मुझे इस मौके का पूरा फायदा उठाना था। चिंता मत करो, इस ड्रग से तुमको कुछ भी नहीं होगा, बस मेरे लिए चीजें आसान हो जाएंगी, करण ने उसे सच बताते हुए कहा। उसकी आंखों में एक शैतानी लुक था। उसने अपनी बेडरूम का दरवाजा एक लात मारकर खोला और प्रज्ञा को बिस्तर पर पटक दिया। करण मुझे छोड़ो, प्रज्ञा ने स्ट्रगल करते हुए कहा। छोड़ दो, इस बार तो तुम खुद ही मेरे पास चलकर आई हो, क्या तुम एक बार फिर मेरी नहीं होना चाहती? करण ने उसकी चिन को पकड़ते हुए उसकी तरफ एक एविल लुक के साथ कहा। तुम्हारी दोबारा बन जाऊं? इससे पहले मैं मरना पसंद करूंगी। अगर तुम मुझे यहां से जाने दोगे तो मैं सब कुछ भूलकर यहां से चली जाऊंगी, नहीं तो तुम सिद्धांत के हाथ इस बार बचोगे नहीं। उसने अपना लास्ट हथियार यूज करने की कोशिश की। सिद्धांत का नाम सुनते ही मानो करण के दिमाग में एक बत्ती चल गई हो। उसके चेहरे से स्माइल हट गई और उसकी जगह इतना ज्यादा गुस्सा भर गया कि एक पल के लिए प्रज्ञा बहुत डर गई। उसने उसकी चिन को और भी टाइटली पकड़ लिया और बोला, मैं इसी बात को लेकर चौंका हुआ था कि तुम अपने आप आज यहाँ क्यों आई, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया। तुम यहाँ वो डिजाइन वापस लेने आई हो ना, तुम सब जानती हो है ना? उसने अपने गुस्से से अपने दांत दिखाते हुए कहा। करण के मुंह से सच्चाई सुनकर प्रज्ञा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका डर इतना तेज था कि करण उसके एक्सप्रेशंस को देखकर सब समझ गया था। उसके बाद जो गुस्सा उसके चेहरे पर आया वो किसी राक्षस के चेहरे पर ही आ सकता था। प्रज्ञा यहाँ दोबारा उसकी होने नहीं बल्कि सिद्धांत के लिए उसके डिजाइन चुराने आई थी। उसकी मंगेतर होने के बावजूद भी वो किसी और मर्द के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार थी। गुस्से की आग में पागल होकर उसने प्रज्ञा के शरीर को टटोला और उसे उसके हाथ में एक छोटा सा पर्स मिला। लेकिन प्रज्ञा तुरंत अपनी पूरी ताकत लगाकर करण की ग्रिप से छूट गई, लेकिन उस चक्कर में वो बेड से नीचे गिर गई। दर्द से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मन से बस एक ही आवाज आ रही थी, वो मन ही मन सिद्धांत को उसकी मदद के लिए बुला रही थी, लेकिन उसके मुंह से अगले पल एक दर्द भरी चीख निकली। करण ने उसके बाल खींचकर उसे रोकने की कोशिश की थी। प्रज्ञा ने तुरंत वो पर्स निकालकर वो USB अपनी मुट्ठी में बांध ली। करण ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे एक बार फिर से बिस्तर पर पटक दिया और इस बार प्रज्ञा की पूरी बॉडी को अपनी बॉडी से कवर करते हुए चिल्लाते हुए बोला, दो मुझे, कहां छुपाकर रखा है? करण ने उसको थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि अचानक से उस बेडरूम का दरवाजा बहुत ही फोर्स के साथ खुल गया। करण ने उस दरवाजे की तरफ देखा तो पाया कि सिद्धांत उसके सामने खड़ा हुआ था और वो किसी पागल जानवर से कम नहीं लग रहा था।
गुस्से से उसकी नाक फूली हुई थी और उसकी आंखों में नफरत के अलावा कुछ भी नहीं था। अगले पल करण की पीठ दीवार से जा लगी और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकली। उसकी बॉडी को दो बॉडीगार्ड्स दीवार के अगेंस्ट पकड़कर खड़े हुए थे। सिद्धांत को वहां देखकर प्रज्ञा के मन को सुकून मिला और उसकी बॉडी रिलैक्स होकर वहीं बिस्तर पर गिर गई। जब सिद्धांत प्रज्ञा के पास पहुंचा तो प्रज्ञा की आंखें बहुत ही अनफोकस थी और वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे कुछ दे रही थी। जब वो उसके फेस के करीब पहुंचा तो उसने प्रज्ञा को बस एक ही बात बार बार रिपीट करते हुए सुना, यूएसपी इसमें सब कुछ है, यूएसपी इसमें सब कुछ है। वो उससे कुछ और सवाल पूछ पाता उसके पहले ही प्रज्ञा बेहोश हो गई। उसको समझ आ गया था कि प्रज्ञा क्या कहना चाहती थी। उसे भी करण पर शक था लेकिन बिना किसी सबूत के वो कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन प्रज्ञा ने उसके लिए अपनी जान खतरे में डालकर वो डिजाइन उस तक वापस पहुंचाने के लिए इतना जोखिम उठाया था। उसने प्रज्ञा को अपनी बाहों में भरा और उस कमरे से निकलते हुए दीवार के अगेंस्ट ट्रैप्ड करण की तरफ देखा। उसने अपनी बाहें प्रज्ञा की चारों तरफ और भी टाइट कर ली। वो आज करण को छोड़ेगा नहीं। उसने बाहर खड़ी अपनी कार के बैक डोर को खोलते हुए प्रज्ञा को बैक सीट पर आराम से लिटाया। मुड़कर उसने करण के फ्लैट की तरफ देखा और उसका खून खौल उठा। वो दरवाजा बंद करके अंदर जाने ही वाला था कि प्रज्ञा की आंखें हल्की सी खुली और वो बहुत ही सॉफ्टली बोली, मत जाओ। लेकिन उसने प्रज्ञा के सिर पर हाथ फेरते हुए उसके बालों को उसके माथे से हटाया और धीमी आवाज में बोला, मैं अभी आया, तुम आराम करो। उसने अपनी जैकेट उतारते हुए प्रज्ञा की बॉडी को उससे कवर कर दिया। अपने आप को सेफ पाते हुए और सिद्धांत के डिजाइन उसे सही सलामत देने के बाद प्रज्ञा को सुकून महसूस हुआ और वो एक गहरी नींद में सो गई। मुड़कर सिद्धांत करण के अपार्टमेंट में पहुंचा। उसके कानों में करण की दर्द से भरी आवाज गूंज रही थी, हां मुझे जाने दो। सिद्धांत के बॉडीगार्ड्स करण को घसीटते हुए अब लिविंग रूम में ले आए थे और वहां करण के ऊपर लातों और घूसों की बरसात करी जा रहे थे। वो दोनों सिद्धांत के साथ कई सालों से थे और बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे कि उनके बॉस को क्या चाहिए बिना सिद्धांत के कुछ कहे। सिद्धांत ने कुछ देर ये चलने दिया। वो दो बटन जैसी काली आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में कोई भी इमोशन नहीं थे। रुको, उसकी एक आवाज के कारण उस कमरे में सन्नाटा छा गया। वो दोनों बॉडीगार्ड्स उसकी तरफ कंफ्यूजन से देखने लगे। क्या उनके बॉस करण पर दया दिखा रहे थे? लेकिन ये कैसे हो सकता था? करण ने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की थी। उसने सिद्धांत को कामयाब होने से रोका था और उसकी सबसे बड़ी गलती थी उनकी बॉस की गर्लफ्रेंड को हाथ लगाना। इस मामले में अगर करण उसका बेटा भी होता तो भी सिद्धांत उसे छोड़ता नहीं। फिर बॉस, क्या आप इसे माफ कर रहे हो? उस एक बॉडीगार्ड ने अपनी मन की बात पूछ ही ली। माफ? चोरी तो बहुत ही छोटी गलती थी। जिस मोमेंट करण ने प्रज्ञा को हाथ लगाया था उसी वक्त वो सिद्धांत की नजरों में दोषी बन गया था। इस बार वो इस मामले को अपनी तरह से संभालेगा। उसने कुछ देर सोचा और फिर एक बॉडीगार्ड के कान में कुछ कहा। वो बॉडीगार्ड तुरंत अपना काम समझ गया। उसने दूसरे बॉडीगार्ड से करण को उसके बेडरूम में ले जाने को कहा और खुद अपना फोन लेकर बाहर चला गया। हेलो, डायमंड नाइट क्लब से मिस्टर पटेल बात कर रहे हैं? करण को नहीं पता था कि उसके लिए क्या पनिशमेंट आ रही थी। इस सोच ने उसको बहुत डरा दिया था क्योंकि वो जानता था कि इस बार वो सिद्धांत के हाथों से बच नहीं पाएगा। लेकिन उसे अननोन का बहुत डर था। इससे अच्छा था कि उसे वो दो बॉडीगार्ड्स मार ही देते। मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या करने वाले हो तुम लोग? मुझे जाने दो, सिद्धांत मुझे माफ कर दो, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन सिद्धांत ने उसकी तरफ एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखा और मुड़कर अपनी कार की तरफ चला गया। कार में प्रज्ञा की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। उसकी बॉडी पसीने से लथपथ थी। उसकी बॉडी में एक गर्मी चढ़ रही थी जिसे कम करने का उपाय उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके मन में सिद्धांत के बारे में सोचकर बहुत ही सेंसुअल विचार आ रहे थे। वो अपने आप को बिस्तर में सिद्धांत की स्ट्रांग बिल्ट बॉडी के नीचे इमेजिन कर रही थी। वो सिद्धांत के होठों की फील अपने पूरे बदन पर चाहती थी। उसकी प्यास एक ऐसी प्यास थी जो सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत ही मिटा सकता था। सिद्धांत, सिद्धांत, वो मौन कर रही थी। जब सिद्धांत ने यह देखा तो वो समझ गया था कि प्रज्ञा को करण ने ड्रग कराया था जो कि उस करण की खासियत थी। वो कैसे भूल सकता था कि उसकी और प्रज्ञा की पहली मुलाकात कैसे हुई थी? तब भी करण ने उसे ड्रग्स देकर नशे की हालत में उस होटल रूम में भेजा था। उसको प्रज्ञा को जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा। उसने प्रज्ञा का टेम्परेचर चेक करने के लिए उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। सिद्धांत का इंटॉक्सिकेटिंग परफ्यूम प्रज्ञा की नाक को छुआ तो अचानक से उसके बदन में एक ऐसी आग लगी जिसे केवल एक ही आदमी बुझा सकता था। उसने सिद्धांत का हाथ अपने हाथ में थामा और उसे किस करते हुए बोली, नहीं हॉस्पिटल नहीं, तुम।
वो उठकर उसके लिप्स के पास पहुंची और सिद्धांत को किस करने लगी। उसके बदन में उठी आग को अब थोड़ी ठंडक मिली थी। सिद्धांत ने भी बिना कुछ कहे उसे किस किया। वो कार में अंदर बैठ गया और प्रज्ञा को अपनी गोद में बिठाते हुए पैशनेटली किस करने लगा। उसके अंदर भी प्रज्ञा को दोबारा अपना बनाने की चाह थी। प्रज्ञा ने अपने आप अपने शरीर के सारे कपड़े उतार फेंके और सिद्धांत के सारे शर्ट एंड पैंट्स को फाड़ दिया और उसके पूरे बदन को चूमने लगी और धीरे धीरे नीचे जाते हुए उसके निजी अंगों को चूमने लगी। और सिद्धांत भी अब पूरी तरीके से मदहोश हो चुका था और उसने प्रज्ञा को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और अपनी गर्मी उसमें अंतरित करने लगा। प्रज्ञा ने सिद्धांत से प्यार से अब घर की तरफ ड्राइव करने को बोला। जैसे ही वो दोनों घर के सामने पहुंचे, सिद्धांत ने देखा कि प्रज्ञा बहुत थक गई थी। वो तुरंत उसे घर के अंदर उसके बेडरूम में ले गया। उसने प्रज्ञा को बिस्तर पर आराम से लिटा दिया। अब उसका चेहरा उतना स्वेटी और पेल नजर नहीं आ रहा था। शायद अभी के लिए वो ठीक थी। क्या होगा आगे? क्या थी करण के लिए सिद्धांत की पनिशमेंट? जब प्रकाश को ये बात पता चलेगी तो वो क्या निर्णय लेगा? क्या करण आखिरकार अपना सबक सीख जाएगा? क्या प्रज्ञा की मदद से सच में सिद्धांत वो डील हासिल कर पाएगा या अभी भी उसके रास्ते में दूसरे कांटे थे? जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। करण के अपार्टमेंट में ही उसके बेडरूम में उसके दोनों हाथ पैर उसके बिस्तर से बंधे हुए थे। वो सिर से लेकर पैर तक मिनिमम कपड़ों में था। अचानक से उसका दरवाजा खुला और उसको एक स्ट्रॉन्ग सेंट हिट हुआ। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो एक औरत मिनी ड्रेस में उसके करीब आ रही थी। आखिर सिद्धांत करना क्या चाहता था? करण ने सोचा। यह आपका गिफ्ट है मिस्टर माहेश्वरी, उस बॉडीगार्ड ने कहा और वो औरत जिसके चेहरे पर बहुत सारा मेकअप था उससे बोला, इनका ख्याल रखना। जी, उस औरत ने जवाब दिया। वो औरत करण की तरफ सेडक्टिवली चलते हुए आई। करण को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिद्धांत की पनिशमेंट थी क्या, लेकिन एक बात तो पक्की थी, उसके मन में एक बहुत ही अजीब सी बेचैनी से भरी फीलिंग थी। खिड़की से आ रही रोशनी ने प्रज्ञा को उसकी गहरी नींद से जगाया। जब उसने अपनी आजू बाजू देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि वो सिद्धांत के किंग साइज्ड बेड पर सो रही थी। उसने नीचे देखा तो वो अपने नाइट गाउन में थी। जब उसे अचानक से कल रात की यादें आई तो उसके गाल लाल हो गए। भले ही उसकी बॉडी में ड्रग्स थे लेकिन उसकी मेमोरी सही सलामत थी। कल रात को उसने कुछ ऐसा किया था जो उसने कभी नहीं सोचा था। उसने सिद्धांत से एक होने के लिए बैग किया था और सिद्धांत ने उसकी हर एक बात मानी थी। उसकी बॉडी में जो भी ड्रग्स थे उसने उसे वैसा करने पर मजबूर कर दिया था। उसे याद है कि वो किस तरह और किस हालात में सिद्धांत की बाहों में सिमट कर सो गई थी। उसने शर्म से अपना चेहरा अपनी ब्लैंकेट में छिपा लिया। वो अब सिद्धांत को फेस भी कैसे कर सकती थी? लेकिन वो सब ड्रग की वजह से था। तुम जाग गई? एक वार्म हस्की आवाज ने दरवाजा खोलते हुए कहा। प्रज्ञा के दिमाग में कल रात की कार वाली मेमोरीज फ्लोट होने लगी। कैसे उसकी स्ट्रॉन्ग हाथ उसकी कमर को कसके पकड़े हुए थे, कैसे उसकी वार्म ब्रेथ प्रज्ञा के कानों को छू रही थी। गुड मॉर्निंग, उसने हिचकिचाते हुए कहा। कल रात करण ने तुम्हें ड्रग्स देने की कोशिश की थी, सिद्धांत ने उसे बताया। ओह, प्रज्ञा ने कहा। उसने अपना ब्लैंकेट अपने शरीर से कस के पकड़ लिया। उसे डर था कि कहीं सिद्धांत उससे कल रात के बारे में बात ना करने लगे। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? क्या हम डॉक्टर के पास चलें? उसने प्रज्ञा के माथे का टेम्परेचर लेते हुए कहा। कल रात में जो कुछ भी हुआ उसके बाद प्रज्ञा आराम से सो गई थी, लेकिन सिद्धांत को उसकी चिंता थी, इसलिए उसने समीर को घर पर बुलाकर प्रज्ञा का चेकअप करवाया था। समीर ने उसे देखने के बाद कहा था कि करण ने उसे एक डे ड्रेप ड्रग दिया था, लेकिन डोज कम होने के कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। लेकिन अगर प्रज्ञा को अगली सुबह अच्छा ना लगे तो उसे हॉस्पिटल लाने को उसने कहा था। लेकिन इस वक्त प्रज्ञा का दिमाग कहीं और ही था। उसने अपना सिर दूसरी साइड कर लिया। वो इतनी जल्दी दोबारा सिद्धांत का टच सहने को तैयार नहीं थी। मैं अब ठीक हूं, उसने जमीन की तरफ देखते हुए कहा। सिद्धांत को प्रज्ञा का ये रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने प्रज्ञा के चिन अपने हाथ में पकड़ी और उसके कान में बोला, मेरी शेरनी कहाँ गई जो कल मेरे एक टच के लिए बैग कर रही थी? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, प्रज्ञा ने इनोसेंटली कहा, लेकिन उसका ब्लश उसकी सच्चाई बता रहा था। सिद्धांत ने उसे इस बार जाने दिया और बोला, नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है, और वो वहां से चला गया। उसने तुरंत शावर लिया और नीचे पहुंची। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता ऑलरेडी लग चुका था, जिसकी खुशबू के कारण प्रज्ञा के पेट में चूहे कूद रहे थे। सिद्धांत अपनी चेयर पर कॉफी पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था।
तुम बहुत स्लो हो। सिद्धांत ने अपनी कॉफी मग के ऊपर से उसकी तरफ देखते हुए कहा। प्रज्ञा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसका दिमाग ना चाहते हुए भी उसे कल रात की इमेजेस याद दिला रहा था। ऐसा नहीं था कि वो दोनों कल पहली बार इंटीमेट हुए हो, लेकिन कल पहली बार प्रज्ञा ने अपनी तरफ से इंटीमेट होने के लिए फोर्स किया था। लेकिन उसे बहुत जोरों की भूख भी लगी हुई थी, इसलिए उसने अपने सामने रखे हुए खाने पर ध्यान दिया। लकीली सिद्धांत ने उसे और टीज नहीं किया। क्या तुमको वो यूएसबी ड्राइव मिल गई? क्या वो डिजाइन सेफ है? उसने सवाल किया। मैं करण के लैपटॉप को ऑलरेडी चेक करवा चुका हूं, उसमें कोई भी कॉपी नहीं है और ओरिजिनल डिजाइन मेरे पास सही सलामत है, उसने प्रज्ञा की तरफ विचारात्मक तरीके से देखते हुए कहा। प्रज्ञा ने कल काफी डेयरिंग और क्लेवरनेस दिखाई थी। उसने वो डिजाइन सिर्फ कॉपी ही नहीं की, बल्कि उसको करण के लैपटॉप से डिलीट भी कर दिया था। लेकिन क्या प्रज्ञा ने एक बार भी नहीं सोचा था कि अगर वो कल घर नहीं आता तो क्या होता, या करण के घर समय से नहीं पहुंचता तो क्या होता? प्रज्ञा ने एक चैन की सांस ली। आखिरकार उसका रिस्क से भरा मिशन सफल हो गया था। यहां आओ, उसने प्रज्ञा को इशारे से बुलाया। वो उसके पास पहुंची। क्या हुआ? तभी सिद्धांत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लिया। सिद्धांत, ये क्या कर रहे हो? प्रज्ञा ने किचन की तरफ देखते हुए कहा। उसे डर था कि मधु किसी भी वक्त उन्हें देख लेगी, लेकिन सिद्धांत की भारी आवाज ने उसका अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया। यही सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूं, तुमने इतना बड़ा जोखिम लेने का डिसीजन कैसे ले लिया? अगर मैं कल टाइम पर नहीं आता तो? उसने प्रज्ञा की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। वो कल रात को ही प्रज्ञा से इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन उसकी हालत उस समय ठीक नहीं थी। लेकिन अब वो होश में थी और वो उससे इस बारे में बात करना चाहता था। उसकी डांट से भरी आवाज सुनकर प्रज्ञा का मूड डल हो गया। उसने सिद्धांत की इतनी मदद की थी, लेकिन उसकी तारीफ करने की जगह वो उसे उल्टा डांट रहा था। उसका डिसअपॉइंटेड चेहरा देखते हुए सिद्धांत ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, इस बार मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगली बार ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं अपनी मुसीबतें खुद सॉल्व कर लूंगा। किसने कहा कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया है? उसने डिफेंसिव होते हुए पूछा। वो अपने आप को रोक नहीं पाई। न जाने क्यों वो सिद्धांत के सामने ऐसा बर्ताव क्यों करती थी। वो उसे बताना चाहती थी कि वो उससे कितना प्यार करती थी और उसी वजह से उसने वो सब किया था। क्या मतलब कि तुमने वो मेरे लिए नहीं किया? सिद्धांत ने उसे पूछा। लेकिन इस बार भी सच की जगह वो बोली, तुमने मुझे निर्दोष साबित करने में मदद की थी, मैं बस उसकी कीमत चुका रही थी। तुम कहना चाहती हो कि तुमने इतना बड़ा जोखिम भरा काम मेरा एहसान चुकाने के लिए किया? सिद्धांत इस बात को आसानी से नहीं जाने देने वाला था। वो प्रज्ञा के मुंह से वो शब्द सुनकर ही रहेगा जो उसे सुनने थे। हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि तुमको लगे कि मैं तुम्हारा एहसान भूल गई, इसलिए मैंने वो डिजाइन वापस लेने का फैसला लिया था। अब हम बराबरी पर हैं, जाने दो मुझे। उसने सिद्धांत की स्ट्रॉन्ग ग्रिप से छूटने की कोशिश की। वो कल रात को जो कुछ भी हुआ उसको रिपीट नहीं करना चाहती थी। वो उसके सामने बैठे हॉट और सेक्सी इंसान पे ट्रस्ट नहीं करती थी, भले ही वो यहां महीनों से रह रही थी, लेकिन अभी भी सिद्धांत के साथ ऐसे सिचुएशन में पकड़े जाना उसे पसंद नहीं था। वो मधु की बहुत रिस्पेक्ट करती थी और ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो सिद्धांत की क्या ही लगती थी, पत्नी नहीं, गर्लफ्रेंड दुनिया वालों के लिए, लेकिन इन चार दीवारी में वो उसके साथ यूं ही रहने लगी थी। घर के नौकर उसके बारे में क्या गॉसिप करेंगे अगर उन्होंने उसे ऐसे देख लिया तो? अच्छा, ऐसा है? सिद्धांत अभी भी उसके आंसर से खुश नहीं था। हां, प्रज्ञा ने उसके बाहों से छूटने की कोशिश की, लेकिन वो सिद्धांत की आंखों में देख पा रही थी कि जब तक वो उसे सच्चाई नहीं बताएगी वो उसे जाने नहीं देगा। वो जिद्दी थी, मगर सिद्धांत की क्लोजनेस उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी प्रज्ञा को मधु के कदमों की आवाज आई। उसने अपनी आंखें टाइटली बंद की और तुरंत बोली, मैं वहां तुम्हारे लिए गई थी, ठीक है, अब मुझे जाने दो। उसके मुंह से ये बात सुनकर सिद्धांत के चेहरे पर एक बड़ी स्माइल आ गई। उसने प्रज्ञा की कमर से अपने हाथ हटा लिए। वो जो सुनना चाहता था उसने सुन लिया था। प्रज्ञा तुरंत उसकी गोद से उठकर अपनी सीट पर चली गई। जब मधु वहां आई तो उसने प्रज्ञा को गुस्से से सिद्धांत की तरफ देखते हुए नोटिस किया। वो भी अपने आप को संभाल नहीं पाई और स्माइल करने लगी। उसने उन दोनों का रिश्ता बदलते हुए देखा था और वो उन दोनों के लिए बहुत खुश भी थी। प्रज्ञा ने सिद्धांत की टीजिंग और इस एम्बैरेसमेंट के कारण ही सच कबूल लिया था। वो वहां से उठकर जाने लगी, लेकिन एक बार फिर सिद्धांत ने उससे कहा, कहां जा रही हो तुम? वो प्रज्ञा के साथ कुछ और पल बिताना चाहता था। सच सुनने के बाद उसके पत्थर जैसे दिल में कुछ महसूस हो रहा था।
वो सिद्धांत से ऑग्यू करना चाहती थी कि अब उसके पास कोई काम नहीं था तो वो अपने कमरे में आराम करना चाहती थी, मगर उसे याद आया कि उसे अभी भी कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। वो दोबारा अपनी जगह बैठी और बोली, करण का क्या हुआ? वो ये क्वेश्चन पूछने से डर रही थी क्योंकि वो सिद्धांत को दोबारा गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, लेकिन उसका यह जानना जरूरी था। उसने सिद्धांत से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया था। प्रज्ञा को मालूम था कि सिद्धांत ने उसे यूं ही नहीं छोड़ा होगा, लेकिन वो ये भी जानती थी कि करण के पीछे पुष्पा खड़ी हुई थी और साथ ही साथ वो उसका भाई था, तो सिद्धांत ने उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। उसको उसके किए की सजा मिलेगी, सिद्धांत ने डेडली टोन में कहा। दूसरों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही इस बार मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें अपने आप को इस तरह जोखिम में डालने के बाद शांत नहीं रहूंगा। उसने प्रज्ञा की तरफ केयरिंग और स्टर्न नजरों से देखते हुए कहा। सिद्धांत की प्रोटेक्टिव साइड अब प्रज्ञा को ऐसी रिस्क उठाने नहीं दे सकती थी। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि आखिर उसने इतनी इंपॉर्टेंट फाइल चोरी कैसे कर ली। जहां तक मुझे मालूम है तुम्हारी पर्सनल कंप्यूटर में पासवर्ड होगा। अगर उसने बाकी एम्प्लॉयज को वहां से अलग भी कर दिया था, लेकिन फाइल चोरी करना उसके बस की बात नहीं थी, प्रज्ञा ने उससे कहा। वो अब और देर अपने बारे में बात नहीं करना चाहती थी। तभी सिद्धांत का फोन बजा और उसने फोन स्पीकर पर डालकर उसमें कहा, हेलो बॉस, मैंने लॉयर से बात कर ली है और नेहा के घर वारंट लेकर पुलिस चली भी गई है। चोरी के मामले में उसे कम से कम 3 साल की सजा तो होगी, सुनील की क्लियर आवाज ने कहा। सिद्धांत ने उसका शुक्रिया किया और फोन रख दिया। नेहा ने करण की मदद की थी? प्रज्ञा को और कुछ सुनने की जरूरत नहीं थी, वो सब कुछ समझ गई थी। नेहा वो सिद्धांत की सालों से सेक्रेटरी थी, उसे यकीनन सारे पासवर्ड पता होंगे। प्रज्ञा के दिमाग में पजल की तरह पीसेस जुड़ने लगे। नेहा के साथ मिलकर उसने सिद्धांत की डिजाइन चोरी करने का प्लान बनाया था। कोई भी कंपनी अपनी हेड सेक्रेटरी को कभी भी यूं ही फायर नहीं करती। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि वो सेक्रेटरी उस कंपनी के बहुत से राज जानती है। तो ये एक मानी हुई बात थी कि नेहा को भी सिद्धांत के पर्सनल कंप्यूटर का पासवर्ड पता था। सिद्धांत ने नेहा को किसी और वजह से नहीं बल्कि प्रज्ञा के कारण ही फायर किया था। इस थॉट ने उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग पैदा कर दी। करण के इरादे दिन ब दिन डेंजरस होते जा रहे हैं, सिद्धांत ने कहा। पहले भी करण उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता था, लेकिन इस बार तो उसने सारी हदें पार कर दी थी। उसने इस बार सिद्धांत की सेक्रेटरी को ब्राइब करके वो डिजाइन चोरी कर ली थी। अब न जाने वो आगे क्या करे। प्रज्ञा ने जब सिद्धांत की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक बात तो साफ थी कि वो इस बार करण को असली सबक सिखाकर ही चैन लेगा। उसी समय सुषमा कीर्ति की माँ बाजार से सामान लेकर अपने घर वापस आई। जब वो अपने पड़ोसियों के घर के सामने से निकल रही थी तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। तुमने सुना? सुषमा की बेटी अपने ससुराल को छोड़कर आजकल अपने मायके में रह रही है। मैंने तो उसे घर से निकलते हुए भी नहीं देखा, उसकी एक पड़ोसिन दूसरी पड़ोसिन से कह रही थी। वो लड़की जिसकी शादी उस अमीर माहेश्वरी परिवार में हुई थी? हाँ। अरे तुम भूल गई, कुछ दिन पहले ही सुषमा हमारे सामने अपनी बेटी के गुण गाए जा रही थी कि कैसी उसकी बेटी से शादी करने के लिए माहेश्वरी खानदान का बेटा गिड़गिड़ा रहा है। अब क्या हुआ? क्या वो अपने पति से झगड़ कर वापस आ गई? हे भगवान, कैसे कैसे लोग होते हैं। हम सब जानते हैं कि अगर उसकी बेटी छल से प्रेग्नेंट नहीं होती तो करण माहेश्वरी उसकी तरफ देखता भी नहीं। और मैंने नोटिस किया है कि इस बार जब वो वापस आए हैं तो उसका पेट फ्लैट दिख रहा है। क्या उसके बच्चे को कुछ हो गया है? क्या? तभी तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब से वो वापस आई उसका पति उससे मिलने भी एक बार नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि अब माहेश्वरी परिवार को उससे कोई लेना देना होगा। और क्या, अगर मैं प्रकाश माहेश्वरी होती तो मैं भी ऐसी औरत को अपने घर से बाहर निकाल देती जो एक झूठी बुनियाद पर प्रेग्नेंट हो गई थी। और क्या तुम्हें पता है कि करण उसकी बहन का मंगेतर था? वो दोनों पड़ोसिन आपस में बातें किए जा रही थी। प्रज्ञा का मंगेतर? फिर तो अच्छा ही हुआ, ऐसी औरतों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मुझे तो विश्वास है कि इन दोनों का जल्द ही तलाक हो जाएगा। आप देखते हैं कि सुषमा हमारे सामने किस मुंह के साथ आती है। इतना कहकर वो दोनों हंसने लगी। क्या होगा आगे? क्या सुषमा अपनी बेटी का संसार उजड़ने से बचा पाएगी? क्या प्रज्ञा एक बार फिर से इस चक्रव्यूह में फंस जाएगी? और क्या हुआ करण के साथ? क्या किया था सिद्धांत ने उसके साथ? जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन
पॉकेट एफएम। जब कीर्ति ने सुषमा को पहली बार बताया था कि वो करण से शादी करना चाहती थी क्योंकि वो उससे प्यार करती थी और दूसरा वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, तब किसी नॉर्मल माँ की तरह सुषमा ने उसको चांटा मार के घर में शांति से बैठने के लिए या अपना मुंह काला करके आने के लिए कभी भी कुछ नहीं कहा था। उल्टा वो तो बहुत ही खुश थी कि उसकी बेटी एक इतने बड़े घर की बहू बनने वाली है और उसके समधी कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है। लेकिन उसे क्या पता था कि एक ऐसा भी दिन आएगा जब उसे ऐसे ताने सुनने को मिलेंगे। घर पहुंचते ही उसने कीर्ति के लिए नाश्ता तैयार किया और उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक किया। कीर्ति अपने कमरे के कोने की खिड़की के पास बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों के आंसू अब उसके गालों पर आ गए थे। जब से करण ने उसे घर से निकाला था, कीर्ति इसी तरह अपने कमरे के अंधेरे कोने में बंद रहकर अपना दुख मना रही थी। ना वो अच्छे से खा रही थी और ना ही अच्छे से पी रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सफेदी छाई हुई थी। वो पहले से काफी वेट लॉस कर चुकी थी। सच कहा जाए तो अब सुषमा को भी घर से बाहर निकलने में शर्म आ रही थी। मोहल्ले में सभी को कीर्ति के बारे में सब पता चल गया था। कुछ ही समय पहले उसके सभी नेबर्स उसकी बेटी की शादी से जलते थे। वो भी ये बात सभी के चेहरों पर रगड़ती थी। वो इस बात पर बहुत इटलाती थी। अब उसकी बेटी यहाँ बैठकर अपनी जिंदगी बिता रही है और उसका पति एक भी बार उसे मिलने नहीं आया था। और वो आता भी क्यों? आखिर उसी ने अपनी पत्नी को अपने घर से बाहर निकाल फेंका था। कीर्ति बेटा, इतना मत सोचो, कुछ खा पी भी लो, सुषमा ने अपनी बेटी के सामने खाने से भरी प्लेट को रखते हुए कहा। नहीं, मेरा मन नहीं है। उसने खिड़की से ऊपर तक नहीं देखा। सुषमा ने गहरी सांस ली और प्लेट से निवाला उठाते हुए अपनी बेटी के मुंह की तरफ ले गई और बोली, बेटा कुछ खा लो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन कीर्ति ने हाथ मारते हुए उसे अपने हाथ से गिरा दिया और टूटी आवाज में बोली, अच्छी बात है, मैं तो चाहती हूं कि मैं मर ही जाऊं। मेरा पति मुझसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता। दुनिया के सारे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। सिद्धांत, प्रज्ञा, हमारे सारे पड़ोसी सभी मुझ पर हंस रहे हैं, उसने गुस्से में कहा। इतना कहकर कीर्ति की आंखें फिर से आंसुओं के समुंदर में डूब गई। उसकी माँ सुषमा का कलेजा भी जल रहा था क्योंकि आज तक उसने अपनी बेटी को खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। तुम चिंता मत करो, जैसे ही करण का गुस्सा शांत होगा वो अपने घुटनों पर चलते हुए मेरी फूल जैसी बच्ची को लेने आएगा। अब तुम जल्दी से कुछ खा लो, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। बस तुम जल्दी से एक बार और प्रेग्नेंट हो जाओ, फिर सारा माहेश्वरी खानदान दोबारा तुम्हारे कदमों में गिर जाएगा, सुषमा ने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा। लेकिन कीर्ति को पता था कि उसकी माँ जो कुछ भी कह रही थी वो आसान बात नहीं थी। करण इस वक्त उसकी तरफ देखने को भी तैयार नहीं था, तो उसका प्रेग्नेंट होना तो भूल ही जाना चाहिए था। उसने कुछ दिन पहले अपनी मेड को फोन किया था जो कि करण के अपार्टमेंट की सफाई करने वहां रोज जाती थी। उसने कीर्ति को बताया था कि करण हर रोज किसी नई लड़की के साथ घर आता था। वो दोनों साथ में रात बिताते थे और फिर वो लड़कियां वापस चली जाती थी। उनमें से एक लड़की मोनिका, वो करण के साथ हर दूसरे दिन रहती थी। पिछली बार भी करण मोनिका को ही अपने घर लेकर आया था। उस मेड ने कीर्ति को यह भी बताया कि करण ने रिसेंटली एक स्पोर्ट्स कार खरीदी थी जिनमें वो उन लड़कियों को राइड पर ले जाता था। ये सब याद करती ही उसका चेहरा टेंशन से भर गया। उसके अंदर बहुत गुस्सा भी भरा हुआ था। जब सुषमा की बेटी ने उसकी एक भी एडवाइस नहीं सुनी तो उसने एक लंबी सांस ली और उसके कमरे की सफाई करके वहां से चली गई। कीर्ति का दिमाग उसे एक पल के लिए भी शांत नहीं रहने दे रहा था। उसने एक डिसीजन लिया। वो अपनी जगह से उठी और अपना पर्स उठाकर अपने कमरे से बाहर आई। वो करण की वाइफ थी और माहेश्वरी खानदान की छोटी बहू। वो उस मोनिका को अपने पति पर ऐसे डोरे नहीं डालने देगी, वो उसे सबक सिखाकर रहेगी। कीर्ति, तुम कहां जा रही हो? सुषमा ने कीर्ति को हड़बड़ी में कहीं जाते हुए देखा और पूछा। माँ, आप मुझे परेशान मत करो, मैं घर जल्दी वापस आ जाऊंगी, इतना कहकर वो अपने घर से निकल गई। टैक्सी लेकर कीर्ति उस बार के सामने पहुंची जहां मोनिका काम करती थी। वो बार के अंदर पहुंची तो सब कुछ शांत था। बार शाम के बाद ही खुलते थे। अंदर एक वेटर सफाई में लगा हुआ था। वो कीर्ति को गुस्से में अंदर आते हुए देख घबरा गया। आप ऐसे अंदर नहीं आ सकती, ये बार शाम को खुलता, उस वेटर ने बोलना चालू किया। लेकिन कीर्ति ने उसे बीच में ही रोक दिया और चिल्लाते हुए बोली, चुप हो जाओ, मैं यहाँ एक मोनिका नाम की लड़की को ढूंढने आई हूँ, कहाँ है वो? कौन मेरी तलाश में सुबह सुबह यहाँ चला आया? मोनिका की सेंसुअल आवाज पीछे से आई। कीर्ति उसकी तरफ मुड़ी तो मोनिका की आंखों में रिकग्निशन की एक चमक आ गई। मोनिका ने अपने मुंह से सिगार हटाया और टीजिंग टोन में बोली, अरे तुम तो करण की पत्नी हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था, यहाँ क्या
तुम घर ढूंढते हुए आए हो। लेकिन कीर्ति ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी, क्योंकि अगले पल वो उसके करीब पहुंची और उसके ऊपर थप्पड़ों की बारिश करने लगी। यू फकिंग विच, तुझे शर्म नहीं आई किसी के पति पर अपने डोरे डालते हुए? आई एम गोइंग टू किल यू, यू स्लट, कीर्ति ने मोनिका का मुंह नोचते हुए कहा। कुछ ही पलों में वो दोनों औरतें आपस में लड़ने लगी, लेकिन बार में बैठे हुए वेटर्स मोनिका के बचाव में आगे आ गए। और फिर क्या होना था, आखिर एक अकेली औरत कहां तक इतने लोगों की ताकत के सामने टिक पाती। कुछ ही पलों में कीर्ति उस बार की गंदी जमीन पर गिरी हुई थी और उसका चेहरा सूजा हुआ था, उसके बाल पूरी तरह से बिखर चुके थे। लेकिन मोनिका इतनी आसानी से अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर सकती थी। वो पैसों के लिए अपना जिस्म का धंधा करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी। उसने वहां मौजूद वेटर्स को इशारा किया, जिन्होंने कीर्ति की आर्म्स पकड़कर उसे उठाया और फिर मोनिका ने उसे एक जोर का थप्पड़ मारा। तू मुझे बिच कह रही है? अरे यू आर अ फकिंग स्लट, अ रैट जिसने अपने ही बच्चे को इतनी गंदी तरह से यूज किया। तुझे लगता है कि करण तेरे पास वापस आ जाएगा? तेरे सपने में भी ऐसा नहीं होगा, मोनिका ने अपने होंठों से बह रहे खून को पहुंचते हुए कहा। वहां खड़ी दूसरी लड़की ने मोनिका को रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन कीर्ति अभी भी करण की पत्नी और माहेश्वरी खानदान की बहू थी, उसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। लेकिन मोनिका उसकी बात सुनकर जोरों से हंसने लगी। अरे तुम चिंता मत करो, अगर तुम डर रही हो कि करण माहेश्वरी इस मनहूस औरत के लिए हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा, तो तुम डरो मत। वो इस औरत को अपनी पत्नी ही नहीं मानता। अगर ऐसा होता तो वो मेरे साथ इस औरत के सामने नहीं सोता। इसने तो उसे अपने घर से भी निकाल फेंका था। करण ने मुझे ये भी बताया था कि वो इसे जल्दी डाइवोर्स देने वाला है, और तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये औरत अब हमारे लिए खतरा नहीं है, मोनिका ने कहा और फिर से कीर्ति के चेहरे पर तमाचा दे मारा। वो वेट्रेस भी उसके बाद कुछ नहीं बोली। मोनिका की बातें कीर्ति के लिए किसी जहर से कम नहीं थी। जब मोनिका का गुस्सा शांत हो गया तो उसने वेटर से कहकर कीर्ति को बार के दरवाजे के सामने फेंकने को कहा। कीर्ति बेहोशी की हालत में वहीं पड़ी रही। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि करण उससे डाइवोर्स लेने के लिए तैयार था। इस बार जो आंसू उसकी आंखों में आए वो कोई दर्द के कारण नहीं थे, बल्कि उसके दिल के टूटने के कारण थे। थोड़ी देर इसी हालात में रहने के बाद कीर्ति ने अपनी हालत देखी। उसके कपड़े कई जगह से फट चुके थे, उसके बाल बिखर चुके थे, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अगर वो ऐसे अपने घर वापस गई तो उसके पड़ोसी उसका एक बार फिर से मजाक उड़ाएंगे। अपने मुंह की स्वेलिंग छिपाने के लिए उसने अपने बैग से फेस पाउडर और मेकअप निकाला और अपनी हालत सुधारी। उसके बाद वो वहां से लड़खड़ाते हुए निकल गई। उस रोड पर ज्यादातर बार्स या नाइट क्लब ही थे। वो एक बार के सामने रुकी और उसने अंदर जाते ही एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक ऑर्डर की। करण अब उसे अपनी जिंदगी में नहीं चाहता था। वो इस बात से दुखी और हर्ट थी, लेकिन उसको इसका बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं था, क्योंकि आखिर में उसने अपनी बहन के मंगेतर को जो छीन लिया था, उसके चेहरे पर एक दुख भरी स्माइल आ गई और उसके बाद उसने शराब को पानी की तरह पीना शुरू कर दिया। इतनी सुबह तुम किस दुख में शराब पी रही हो, एक आदमी ने उसके बाजू से कहा। कीर्ति ने मुड़कर देखा तो पाया कि एक मिडिल एज आदमी उसके बाजू वाले स्टूल पर बैठा हुआ था। वो भी नशे में धुत था। तुम्हें इससे क्या मतलब, वो स्लर करते हुए बोली। कीर्ति ने अपनी शराब की बॉटल उठाई और एक सिप में आधी बॉटल खत्म कर दी। बेबी तुम इसे पियो, ये शराब तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर देगी, उस अनजान व्यक्ति ने एक बियर की बॉटल कीर्ति के हाथ में थमाते हुए कहा। क्या क्या सच में वो अपने दुख भूल सकती थी? उसने उस बॉटल को एक ड्राई देने का डिसीजन लिया। उसने उस बॉटल से सिप लेने चालू किए और कुछ ही देर में वो इतनी ड्रंक हो गई कि उसे पता भी नहीं था कि वो कहां थी। वो नशे में बड़बड़ाने लगी। करण तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूं, तो तुम अभी भी उस प्रज्ञा से क्यों प्यार करते हो? उसकी आवाज में उसका नशा साफ नजर आ रहा था। आओ बेबी मैं तुम्हें घर ले चलता हूं, तुम वहां आराम कर लेना, उस स्ट्रेंजर ने कीर्ति को नशे की हालत में देखकर मौके का फायदा उठाते हुए कहा। कीर्ति के माइंड में कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था कि वो आदमी उसके साथ क्या कर रहा था, लेकिन जिंदगी के दुख से परेशान उसने उस आदमी को उसे वहां से ले जाने से रोकने की कोशिश नहीं की और उसके साथ आसानी से वहां से चली गई। उसी टाइम पायल उस बार के एक प्राइवेट रूम से बाहर निकली। उसके एक फ्रेंड का बर्थडे था, इसीलिए उसके फ्रेंड्स ने मिलकर उस बार में एक प्राइवेट रूम बुक किया था, जहां सारी रात उन्होंने मस्ती करके गुजारी थी और अब वो सभी घर वापस जाने की तैयारी में थे। तभी पायल ने एक जाना पहचाना फिगर देखा। एक अनजान व्यक्ति उस लड़की को एक दूसरे प्राइवेट रूम की तरफ ले जा रहा था। जब पायल ने बहुत देर तक सोचा तब उसे रियलाइज हुआ कि वो लड़की कोई और नहीं, प्रज्ञा की कजन कीर्ति थी। लेकिन वो उस अजनबी के साथ उस प्राइवेट रूम में क्यों जा रही थी?
मगर कीर्ति यहाँ क्या कर रही थी? अब तो वो एक इज्जतदार घर की बहू थी, वो इस तरह किसी अजनबी की बाहों में इतनी सुबह सुबह किसी प्राइवेट रूम में क्यों जाएगी? पायल ने अपनी आंखें मली। शायद वो रात भर से पार्टी कर रही थी, जिस वजह से उसका माइंड हैंगओवर के कारण इस तरह बिहेव कर रहा था। बार से बाहर निकलते ही उसने प्रज्ञा को कॉल किया। वो दोनों काफी देर से मिले नहीं थे। गुड मॉर्निंग मेरी सुपरस्टार, पायल ने मजाक करते हुए कहा। कौन सी सुपरस्टार? प्रज्ञा ने शायली पूछा। अरे तुम और कौन, तुम्हारे फॉलोअर्स की गिनती बढ़ गई है। अलीशा की माफी के बाद तुम इंटरनेट आइकन बन गई हो। और तुम भूल गई क्या कि जेके का नया गेम जल्दी ही मार्केट में आने वाला है? उसका एंडोर्सर फेमस नहीं होगा तो क्या होगा? अब तो मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ लेकर अपनी वॉल पर लगाना होगा, पायल ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अपनी दोस्त के लिए बहुत ही खुश थी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी। वैसे तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह फोन क्यों किया? वरना तुम्हारे लिए सुबह से उठना मतलब सूरज का गलत दिशा से उगना है। प्रज्ञा ने उससे पूछा। मैं अपनी एक फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करके अभी फ्री हुई हूँ। हम कितने दिनों से नहीं मिले हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आज शॉपिंग पर चलो। पिछली बार जो तुमने मेरी नीज के लिए कपड़े खरीदे थे वो सभी को बहुत पसंद आए थे, पायल ने प्रज्ञा से कहा। प्रज्ञा का जेके का काम भी खत्म हो गया था और सिद्धांत ने भी अपने लिए एक नई सेक्रेटरी हायर कर ली थी, जिसकी वजह से आजकल उसके पास बिल्कुल भी काम नहीं था। प्रज्ञा ने पायल को एक घंटे में मिलने का वादा किया। तैयार होकर वो टाइम पर पायल से मिली। उन दोनों ने साथ मिलकर पायल की नीज के लिए कपड़े खरीदे। मॉल के बाहर उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो पायल की प्रेग्नेंट सिस्टर से मिलने जाएंगे। लेकिन प्रज्ञा की नजर रोड पर पार्क्ड एक सिल्वर कार पर पड़ी। सूरज की रोशनी में वो कार चमक रही थी। प्रज्ञा उस कार को पहचानती थी। तभी उस कार का दरवाजा खुला। एक मिडिल एज्ड औरत जो कि एक्सपेंसिव सनग्लासेस पहने हुई थी वो उस कार से उतरी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि पुष्पा थी। कुछ ही पलों में पुष्पा की नजर प्रज्ञा पर पड़ी। भले ही उसका आधा चेहरा सनग्लासेस से ढका हुआ था लेकिन फिर भी उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। प्रज्ञा ने अपने आप को आगे आने वाली विपत्ति के लिए तैयार कर लिया। क्या होगा आगे? क्या प्रज्ञा इस बार अपने ईमान के लिए पुष्पा के सामने खड़ी हो पाएगी? क्या होने वाला था कीर्ति का हश्र? क्या वो करण को वापस पाने में कामयाब होगी? और क्या था सुषमा का अपनी बेटी की खुशियां वापस लाने के लिए मास्टर प्लान? जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन Pocket FM.